नमस्कार, आज हम पढ़ाएंगे आपको यूज ऑफ आईएनजी का प्रयोग, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस के लिए ये जरूरी है कि आपको आईएनजी का प्रयोग करना आना चाहिए। आईएनजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। कई बच्चे कहते हैं हम तो याद कर लेंगे, ये कितने वर्ड याद करोगे, हर वर्ड को ये रटोगे कि इसके पीछे आईएनजी कैसे लगाया जाएगा, इसमें कौन सा नियम लगेगा, या सीधे याद कर लोगे पूरे। इसलिए रट्टू मत बने, उसके नियम समझ लें। सिर्फ 6 नियम है और 6 नियम के अनुसार आपको पूरी ग्रामर आ जाएगी। कैसे करके हमने किसी भी वर्ब को आईएनजी में बदलना है, सिर्फ 6 नियम और कुछ 15-20 अपवाद, वो याद करने पड़ेंगे बस। अब ये अच्छा है या हजारों वर्ब आप याद करो रट्टू उन्हें बैठ करके, ये अच्छा है, ये आप सोचिए। तो इसलिए आप सिर्फ ये 6 रूल्स ध्यान कर लीजिए और 15-20 इसमें अपवाद हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि वो जरूरी याद करने। अगर आपने ये कर लिए तो आपको आईएनजी का प्रयोग करना वेरी इजीली आ जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो पेरेंट्स बच्चों से कहते ज्यादा से ज्यादा याद करो, रटो, वो कोई पढ़ाई का तरीका नहीं है। अगर बच्चा रटता है तो वो इस क्लास में मान लिया ज्यादा नंबर ला सकता है रटने से, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगली क्लास में फिर वो दूसरी किताब रटेगा। इसलिए बच्चे को रटना मत सिखाइए, समझना सिखाइए। अगर बच्चा 5वीं क्लास पास कर जाता है और वो उसके बाद किसी भी पैराग्राफ की अंग्रेजी अपने आप बना लेता है या किसी क्वेश्चन को पढ़ के उसकी अंग्रेजी बना सकता है, तभी समझिए कि आपका पैसा बेकार नहीं जा रहा, आपका बच्चा सही पढ़ रहा है। और अगर ये नहीं कर पा रहा तो समझ लीजिए कि आपका आपके बच्चे को सही नहीं पढ़ाया गया। इसलिए 5वीं पास तक बच्चा करता, अगर 5वीं में बच्चा पढ़ रहा है तो 5वीं तक उसको पूरे टेंस आने चाहिए। हमारे पास पढ़ने आते बच्चे 10वीं के बच्चे पढ़ते, 12वीं तक के बच्चों को टेंस नहीं आते, ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या कोई बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको भी नहीं कुछ पता। तो ये जरूरी है कि आप लोग ग्रामर पर ध्यान दें और ग्रामर को जितना आप जल्दी समझें उतनी आपको इंग्लिश में आपका अच्छा हाथ होगा, अच्छी तरह से आप इंग्लिश को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो तीनों चीज़ें हैं, लिखना, बोलना, समझना, ये तीनों चीज़ छात्रों को आनी चाहिए। और ये कब आएगी, जितने ज़्यादा हम वर्ड मीनिंग्स तो आपको याद करने पड़ते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप हर चीज़ में उसमें फिर आईएनजी का यूज भी करने, वो भी आप उसको भी सोचो, उसे भी रटेंगे। कई बच्चे क्वेश्चन के क्वेश्चन याद करते हैं, ही इज गोइंग लगे रहते हैं, ऐसे नहीं याद करना, उसको समझो और उसकी इंग्लिश बनाओ। तो कहने का मतलब ये था कि ग्रामर पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और आज हम आपको समझा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो आईएनजी का प्रयोग होता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज पढ़ाना था, लेकिन जब तक बच्चों को आईएनजी का प्रयोग करना नहीं आएगा तो कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाना बेकार है। और ये जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये जितने मैं रूल बता रहा हूँ आपको ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, चाहे वो कितनी महंगी किताब है, चाहे प्राइवेट स्कूल की, चाहे वो सरकारी स्कूल की। इसलिए आप इन रूल को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। और अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे यूट्यूब में भी आप भेज सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई प्रश्न हो, और आप व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, दोनों जगह आप भेज सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम क्लास में कि हमारे 6 रूल हैं, ये 6 रूल हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या रूल है हमारे पास, देखिए
सबसे पहला रूल हमारे पास है इसमें, पहला रूल हमारा जो है, इसको पीछे कर देते हैं, ये देखिए पहला रूल हमारा, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो, ठीक है, कोई वर्ब है उसका अंतिम अक्षर क्या है, ई है, तो क्या करेंगे हम, ई हो तो ई हट जाएगा, यानी उस ई को हटा देंगे, और ई को हटाने के बाद उसमें आई एन जी लगा देंगे, ये है पहला नियम। यानी कोई भी वर्ब है, कैसा है? वर्ब क्या होती है, क्रिया जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है, जैसे कि जा रहा है, खा रहा है, रो रहा है, ठीक है ना। यहां पर आ गया आपका बिकम, बिकम मीन्स होना, तो ये बिकम है, इसमें आखिर में क्या है, ई है, तो ये ई हट जाएगा, और ई जब हटेगा तो ये बिकमिंग बन जाएगा, उसके बाद इसमें ई हटा देंगे और बी ई सी ओ एम तो रहेगा, ई हट जाएगा और ई की जगह आई एन जी लगा देंगे। इसी प्रकार से आप देखोगे कम, सी ओ एम ई कम, तो कम में ई को हटा देंगे और सी ओ एम आई एन जी लग जाएगा। इसी प्रकार से बाइट, ये दांत से काटना, तो बाइट के अंदर आप देखिए लास्ट में ई है, ई को हटा देंगे और बी आई टी इसके बाद आई एन जी लगा देंगे। इसके बाद आपके पास आता है ड्राइव, डी आर आई वी ई, इसके अंदर लास्ट में देखिए आप ई, ठीक है, तो ई है, तो ऐसे हजारों वर्ड हैं, तो उन सभी वर्ड में जिनमें ई आखिर में आता है उनमें ई को हटा देंगे और आई एन जी को लगा देंगे। अब आप देखिए दूसरा, इसके अंदर एक अपवाद भी है, यानी अगर ये वर्ड मिले आपको तो इसमें ये रूल नहीं लगेगा, वो है बी। अपवाद कहते हैं कि इस जगह में ये नियम नहीं लगेगा, तो ये अपवाद में क्या है, बी, इसके आखिर में ई है लेकिन इसमें ई नहीं हटता, इसमें आई एन जी लगा देता है, ठीक है। दूसरा आपका रूल है, यदि वर्ब के अंतिम दो अक्षर ई हो, यानी पहले वाले का ही रूल को का दूसरा भाग है, लेकिन हम इसको दूसरा रूल कह रहे हैं, इसमें क्या है कि अगर ई की जगह डबल ई हो, मान लिया किसी वर्ड में वर्ब का आखिरी अक्षर डबल ई है, उसमें दो ई है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी है तो आखिर में भी ई इसके, लेकिन इसमें यह पहला वाला रूल नहीं लगेगा, तो ये दूसरा रूल है कि अगर उसमें डबल ई हो तो पहला नियम नहीं लगेगा, यानी कि ई को हटा करके आई एन जी नहीं लगेगी बल्कि सीधे आई एन जी लग जाएगी। कैसे, यहां पर आपके पास है एस डबल ई सी, सी माने देखना, तो इसमें आखिर में ई है, वो ई हट जानी चाहिए लेकिन यहां पे नहीं हटी क्योंकि ये डबल ई आ गया है, तो यहां पर क्या होगा, एस डबल ई ऐसी रहेगा, आई एन जी उसमें लगा दिया जाएगा। इसी प्रकार से फ्ली, फ्ली में आप देखें डबल ई है, तो डबल ई के बाद फिर वही आई एन जी लगा दी गई है और ई को नहीं हटाया गया है, तो यह है दूसरा नियम। अब देखिए अब तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर से पहला अक्षर ई आई ओ यू, इन्हें कहते हैं स्वर, ए ई आई ओ यू वबल, लेकिन यहां पर आप देखिए ए नहीं है, सिर्फ ई आई ओ यू है। मोस्ट ऑफ द, अगर किसी किताब में आप देखोगे तो रूल तो उसमें ये लिखा होगा कि इसका अगर स्वर है तो स्वर में ये भी आता है, लेकिन ए इस रूल में नहीं लगता है, ये ध्यान रख दीजिएगा। यहां पर ई आई ओ यू सिर्फ ये आएंगे, हो तो अंतिम अक्षर दो बार रिपीट होगा, अंतिम अक्षर दो बार रिपीट होगा, होकर लिखा जाता है और फिर आई एन जी लगाई जाती है। कैसे देखिएगा, जैसे डी आई जी, डिग, डिग माने खोदना, अब इसमें आखिरी अक्षर क्या है, जी है, उससे पहले क्या है, आई है, तो अगर इससे पहले हमारा बबल आ गया, ये आई आ गया इसमें, तो ये डबल जी हो जाएगा, जी की जगह,
और डिगिंग यानी खोद रहा, तो ये डबल जी इसके अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये बिगिन है, BEGIN, बिगिन, तो इसके अंदर आप देखोगे कि एन से पहले आई है, यानी आखिरी अक्षर से पहले आई आ गया, इसलिए ये आखिरी अक्षर जो है वो डबल रिपीट होगा, ये डबल एन आ गया, तो ये हो जाएगा BEGI डबल एन आई एन जी। इसी प्रकार से फॉरगेट, भूल जाना, तो फॉरगेट में आप देखोगे कि टी से आगे ई है, लेकिन तो क्या करेंगे, आखिरी वाला जो टी होगा वो डबल हो जाएगा, तो ये टी डबल हो जाएगा और इसके अंदर आई एन जी लग जाएगी। अब आप देखिए इसमें, और देखिए जीईटी गेट, गेट मीन्स प्राप्त करना, तो इसके अंदर क्या है, जीईटी है, टी से पहले ई लगा हुआ है, तो ये ई लगा हुआ है, तो ये टी डबल हो जाएगा, तो ये इसको डबल टी कर देंगे, जी डबल टी आई एन जी। तो आप इसी प्रकार से स्टॉप है, सीट है एंड रन है, तो रन में आप देख रहे यू आ गया यहाँ पर, तो ये एन डबल आ जाएगा, आर यू डबल एन आई एन जी। यानी कि सिंपल सी बात है कि आखिरी अक्षर से पहले अगर ई आई ओ यू है तो आखिरी अक्षर दो बार लिखा जाएगा और उसके बाद आई एन जी लगाई जाएगी। अब आता है आपका इसमें अपवाद, इसमें भी अपवाद है, यानी कि ये रूल लागू नहीं होता, तो वो क्या है अपवाद वो देख लीजिएगा कि इसके अंदर कुछ वर्ड है ये हमारे, जो ये वर्ड याद करने पड़ेंगे आपको कि भाई इसमें ये अपवाद है, इसमें ये रूल नहीं लगेगा, तो इसको याद करना पड़ेगा। सारे रूल याद, अब हजारों वर्ड है इसके, जिनके आखिर में जो है कोई वर्ड है उससे पहले वबल है उसमें, तो ऐसे तो हजारों वर्ड है, लेकिन जो अपवाद है वो दो चार ही होते हैं, वो कम होते बहुत, तो उनको याद करना आसान होता है। तो यहाँ पर ये अपवाद क्या है ये देखिए, अब ये तो वर्ड हमारे हजारों हैं लेकिन अपवाद दो चार हैं। अपवाद इसमें कंप्लेन, तो इसमें कंप्लेन में एन के आगे आई है, लेकिन आप देखेंगे कि ये आई के बाद जो एन है, एन डबल रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से कवर है, इसमें भी आर रिपीट नहीं हुआ, रिपेयर है, इसमें भी आर रिपीट नहीं हुआ, तो ये जो तीनों के तीनों है, ये चारों है, एक वंडर भी है, तो ये चारों के चारों क्या है, अपवाद है, इनमें ये रूल नहीं लग रहा है। इसी रूल का एक पार्ट और है, जो ए बच गया था हमारा वो, और वो आता है हमारा अब ये चौथे नियम में। चौथे नियम में हम ये लिखते हैं कि यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले ए हो, यानी ई आई ओ यू नहीं बल्कि ए हो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी यही है रूल, लेकिन उसमें ए को लिया गया है कि ए में क्या होता है, क्योंकि जब आप देखेंगे कई जगह किताबों में जो लिखा होता है कि भाई वबल है तो आप ये कर दीजिए, वबल में सारे आते हैं, तो उसको ए को अलग कीजिए, ए को अलग करना जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ वर्ड ए वाले जो होते हैं उसमें ये रूल नहीं लगता, बहुत कम वर्ड है, बहुत ही कम। यहाँ पर हम दो ही वर्ड दे रहे हैं कि जिनका जो है जो अपवाद है, बाकी सब में ये रूल नहीं लगेगा। क्या है, जैसे यहाँ पे क्लीन है, सी एल ई ए एन, तो आप इसमें देखिए कि इससे एन से आखिरी वर्ड जो एन है इससे पहले ए लिखा हुआ है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ सी एल ई एन आई एन जी लग जाएगा। जैसे ड्रॉ है, ड्रॉ खींचना, तो ड्रॉ के बाद आई एन जी लगा दिया, डब्लू डबल रिपीट नहीं हुआ। प्ले है, प्ले माने खेलना, तो प्ले ही हो गया, इसके अंदर आई एन जी लगा दिया गया है। स्पीक है, इसमें आखिरी अक्षर से पहले ए है, स्पीकिंग। अब इसमें भी अपवाद है, वो एक दो वर्ड्स हमारे, जैसे कि क्लैप, तो उसमें डबल पी आ जाता है, क्लैपिंग, और रैप लपेटना, तो उसमें भी आखिरी अक्षर से पहले ए है, तो ये इसमें डबल पी आ गया, यानी इसमें वो रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा वाला, तीसरा नियम वाला, कि डबल रिपीट होने वाला, जबकि वो ए है, तो ए में अधिकतर में नहीं मिलेगा तुम्हें, और ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनमें आपको मिलेगा, यानी बहुत कम है, यही आप याद भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्लैप आ गया, स्लैप आ गया, तो इनमें आपको जो है रैप आ गया, तो इनमें डबल पी वाले आ जाता है, इसमें डबल पी लग जाएगा। अब आता है आपका पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या है,
जिस वर्ब के अंतिम में आई ई हो तो आई ई को हटा देंगे, उसकी जगह पे वाई में बदल दिया जाता है उसको, और उसके बाद आई एन जी लगा दिया जाता है। यानी कि जैसे आप देखोगे यहाँ एल आई ई है, तो आई ई को हटा करके इसकी जगह हमने वाई लगा दिया, तो ये एल आई ई था तो ये एल वाई बन गया और इसके बाद आई एन जी लग गई। इसी प्रकार से है लाई डाई टाई, ऐसे वर्ड जो हैं इनके लिए ये रूल है। और इसमें क्या होता है कि आई ई को हटा करके वाई बना दिया जाता है और फिर आई एन जी लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से टाई है बांधना, तो इसमें आई ई को हटा के हमने वाई लगा दिया टी वाई और फिर आई एन जी लगा दिया। तो ये हमारा हो गया पांचवा नियम। ये पांच नियम है, और अगर ये पांचों नियम कहीं पे नहीं आ रहे हैं तो वो छठा नियम है। और छठा नियम सबसे आसान कि इन नियमों में से अगर कोई भी नहीं है तो वो छठा नियम है। और छठे नियम में क्या है कि बाकी जो बच गए उन सभी के साथ आई एन जी लगा दीजिए। कैसे? जैसे गो है तो गोइंग, गो के बाद आई एन जी लगा दीजिए। फॉल है, इनमें से कोई भी रूल नहीं है इसमें आ रहा तो फॉलिंग हो गया। तो आप जितने भी वर्ड हैं, बाकी हजारों लाखों वर्ड हैं, उन वो सारे वर्डों के साथ यही होगा, उसमें सीधे आई एन जी लगा दिया जाएगा। तो ये आसान सा तरीका है आई एन जी कहाँ लगाई जाती है और कैसे लगाई जाती है, तो इसको समझने का ये सबसे आसान तरीका है और सबसे बढ़िया तरीका है। और इससे ज़्यादा अच्छा तरीका से किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसे ध्यान से समझें। और मुझे यूट्यूब चैनल पर आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।